नमः शिवाय। सावन मास कृष्ण पक्ष बुधवार एकादशी तिथि सुबह 5:15 तक लगी रहेगी, अर्थात सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में सुबह 10:50 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक शारीरिक रूप से बलवान, भाइयों के प्रिय, स्वाभिमानी, मगर बात बात पर गुस्सा आने की प्रवृत्ति बनी रहती है। ऐसे जातक सबसे प्रेम व्यवहार करने वाले, बुद्धिमान, मंत्र शक्ति के ज्ञाता, पूर्वानुमान लगाने में निपुण, मगर अध्ययन काल में बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे जातक खोजी मस्तिष्क वाले, कला तथा कारीगरी में प्रवीण, नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाले तथा भ्रमणशील प्रवृत्ति के होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुध देव हैं। धीरे धीरे चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी पिछले पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगा था और अभी आने वाले अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, मगर इसका आंशिक असर सभी जातकों पर उनके अपने अपने राशियों के अनुसार पड़ेगा, जिसका विस्तृत वर्णन आगे आने वाले दैनिक राशिफल में बताया जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज पराक्रम भाव में चल रहे हैं। सार्थक पहल जारी रहेगा, हर काम करने में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और तर्क शक्ति का इस्तेमाल लाभदायक रहेगा। सरकारी योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, मगर मां के स्वास्थ्य की चिंता, सामान गायब होना या चोरी होने का अंदेशा और भ्रमात्मक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। शुभ कार्यों के लिए समय अनुकूल है। वृष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दूसरे घर में मिथुन राशि में चल रहे हैं। वाणी में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, मगर मानसिक अस्थिरता संभावित है। प्रयासों में कमी और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित रहेगी। फिर भी अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल व्यावसायिक उन्नति के लिए करें। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। पिता व उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शुभ और वैवाहिक कामों के लिए उचित समय का इंतजार करें। मिथुन राशि के जातक स्वस्थ व ऊर्जावान महसूस करेंगे। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही चल रहे हैं। भ्रमात्मक दौर भी जारी रहेगा। हालांकि आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से राहत भरी खबर मिल सकती है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और आपको स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। मांगलिक कार्यों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 12वें घर में मिथुन राशि में चल रहे हैं। सामाजिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी, सक्रियता और ऊर्जा स्तर हर काम में सफलता दिलाएंगे। बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव जारी रहेगा, मगर संतान संबंधी मामलों में अनावश्यक चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें। अच्छे कामों में खर्च संभव है। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामले आज के दिन टाल दें। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। निजी संबंधों में तनाव संभावित है और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मांगलिक कार्यों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में चल रहे हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। व्यावसायिक साझेदारी में लाभ संभव है। आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अपनी कार्य योजनाओं का विश्लेषण सावधानी पूर्वक करते हुए आगे बढ़ें, लाभ मिलेगा। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी।
मगर मानसिक उलझने और भ्रम की स्थिति भी संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। मांगलिक कार्यों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के राशि स्वामी बुध एकादश भाव में सूर्य और राहु के साथ बैठे हैं और चंद्रमा आपके दशम भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों, सहयोगियों और राजनीतिक व्यक्तियों से दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। हालांकि शुक्र के आपकी राशि पर होने से आत्मविश्वास, धैर्य, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और जुझारूपन की मानसिकता भी बनी रहेगी और विवाद को निपटाने की कोशिश करें। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। मांगलिक कार्यों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। धन लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे, मगर सूर्य, राहु और बुध की युति 10वें घर में बनी हुई है। कार्य योजनाओं में अचानक बाधा या रुकावट का संकेत भी मिलता है। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और राजनीतिक व्यक्ति से भेंट संभव है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। विवादित मामलों को निपटाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे, मगर मन अंतर्द्वंद और आशंकाओं से भरा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मांगलिक कार्यक्रम आज के लिए अनुकूल रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम भाव में मंगल उच्च के होकर केतु के साथ बैठे हैं और चंद्रमा 8वें घर में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। सकारात्मक कार्य ऊर्जा का सहयोग बना रहेगा, मगर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। हालांकि कुछ कामों में रुकावट का संकेत भी मिलता है। संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है। नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। साथ ही वाहन चलाने में सावधानी बरतें और मांगलिक कार्यक्रम के लिए उचित समय का इंतजार करें। धनु राशि के राशि स्वामी बृहस्पति अपने नक्षत्र में एकादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 7वें घर में चल रहे हैं। आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा बढ़ी रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। सूर्य, राहु, बुध की युति कार्य क्षेत्र के लिए लाभदायक रहेगी, मगर यात्रा संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। मकर राशि के राशि स्वामी शनि 12वें घर में वक्री होकर बैठे हैं और चंद्रमा 6वें घर में चल रहे हैं। व्यक्तित्व में निखार, नेतृत्व करने की क्षमता और बौद्धिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, जिससे व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता का सहयोग और आंतरिक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर सूर्य, राहु, बुध की युति 7वें घर में होने की वजह से मन में अनावश्यक चिंता, पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं और साझेदारी में भ्रमात्मक स्थिति संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मांगलिक कार्यों के लिए उचित समय का इंतजार करें। कुंभ राशि के राशि स्वामी शनि वक्री होकर एकादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 5वें घर में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास में भ्रमात्मक स्थिति संभावित है, मगर व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल हो सकता है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे।
मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति आठवें घर में बैठे हैं और चंद्रमा चौथे घर में चल रहे हैं। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से परहेज करें। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें। सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा राहु के करीब होते जा रहे हैं और आज राहु के नक्षत्र में है। कुछ समय के लिए धैर्य और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, मगर काम होते रहेंगे और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को मानसिक दबाव महसूस होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।